चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज नाइदर सीकिंग एन एक्सटेंशन नॉर्ट एक्सेप्ट एन एक्सटेंशन नो मैटर वॉट ही विल बी रिटायरिंग ऑन द ट्वेंटी क्वेश्चन प्लीज इस चीज के अंदर ऐसी जैसे मैंने कहा किरदार कुशी के मुतरद बगैर किसी एविडेंस के बगैर किसी चीज के प्लीज डोंट डू देट सर uh, जावेद बलोच ब्यूरो चीफ न्यू टीवी वी से सर uh, मेरे दो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं एक तो हमारे अमेरिकी सफीर जो हैं वो एक मरसला भेजते हैं उनकी मुलाकात के हवाले से एक चीज होती है और वो यहाँ पे आता है और उसको uh, तास्तर यह दिया जाता है कि डी कोड किया गया और एक साजिश और एक लेटर लहराया रह जाता है पूरी दुनिया के सामने एक तो सर वो एस ओ पी मुझे बता दें कि एस ओ पी क्या होते हैं एक इंटरनल एक इंफॉर्मेशन है एक मुलाकात की स्टोरी है उसके मतलब क्या लाज क्या कहते हैं एस ओ पी क्या है हमारे और सर दूसरा जो पाक फौज के खिलाफ प्रावगंडा हो रहा है सर स्पेशली आर्मी चीफ के खिलाफ उसे सर काउंटर करने के लिए क्या किया जा रहा है और क्या जो अभी आपने काम किया होगा तो कोई लोग पकड़े गए हैं सर देखिए एज फार एज जो आपने वो आ, एस ओ पी की बात की ऐसे मरासिले की ये साइफर्स बेसिकली तो फॉरन ऑफिस की डोमेन में होते हैं एम्बेसडर्स मुख्तफ हमारे मुख्तलि एम्बेसी से बेचते हैं आ, उनके ये टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं और इनकी कुछ सर्कुलेशन uh, होती है डिपेंडिंग ऑन कि किस चीज़ को uh, किस फर्द या किस इदारे से उसका ताल्लुक है इनमें कुछ uh, टीजीज जो हैं वो uh, हमारे यहाँ भी एम में भी वसूल होती हैं कुछ ऐसे भी, जिनका ताल्लुक समझा जाता है कि नेशनल सिक्योरिटी या एस आई किसी चीज़ से आई आई के पास भी इसी तरह वो जाती हैं जब उन इदारों को वो आ, ऐसा कोई मरासाला मौसू होता है तो उसके अंदर अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई ऐसी चीज हो तो वो इदारे अपना काम शुरू कर देते हैं आई सी आई में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये साइफ़र आया था जिस टाइम पर भी सात को आठ को तो उन्होंने अपनी तहकीक़ात अपना सब कुछ उसी वक्त शुरू कर दिया था और इसी बुनियाद पर फिर उन्होंने अपनी इनपुट जब मैं जैसे मैंने कहा कि जब इकतीस तारीख़ को हुई तो वो इनपुट इसकी बुनियाद पर थी जो भी इनपुट वहाँ पर दी गई सो ये एक जनरल एक इनका पैटर्न होता है कि मुतल इदारों को वो भेज दी जाती है, बट इसेंशली इसका रिस्पॉन्सिबल इसका सारा कुछ फॉरन ऑफिस होता है प्रॉपिगेंडा की जो आपने की, बात की प्रोपिगेंडा जो सोशल मीडिया पर चल रहा है उसके ऊपर मुतल इदारे हैं हकूमत के जो कि साइबर सिक्योरिटी की डोमेन में और इन चीज़ों में आ, काम कर रहे हैं और आ, उन्होंने आ, जिन लोगों ने ये ट्रेंड चलाए और सारा कुछ और जो मुहरक हैं इसके पीछे आ, उसको काफ़ी हद तक पहुँच चुके हैं आ, इसमें बैरूनी लिंकेजेस भी बहुत आ, सामने आए हैं इसके ऊपर मज़ीद तफ्तीश की जा रही है आ, लेकिन प्रोपिगेंडा फैलता कैसे है जब मेरे और आप जैसे लोग उसको बग़ैर तस्दीक किए आगे शेयर करना शुरू कर देते हैं हमारे तो दीन में कहा गया है कि किसी के झूठा होने के लिए इतना काफ़ी है कि वो बग़ैर तस्दीक किए हुए कोई चीज़ आगे पहुँचाते हैं इसके आगे मेरा ख्याल है कि अगर हम सिर्फ इसी पे अमल कर लें तो बहुत प्रोपेगेंडा खत्म हो जाएगा आंसर यूर क्वेश्चन जनल साहब खालिद महमूद एक्सप्रेस टी वी से जनरल साहब एक लैंग्वेज का प्रॉब्लम रहा है पोलिटिकल पार्टीज की जानब से माजी में भी आर्मी चीफ को जल्सों के दौरान हेट किया जाता रहा और अब भी तकरीबन वही सूरत हाल है एक तो आप इस पर कमेंट कर दें दूसरा जो रात बारह बजे अदालतें खुली थी उस बारे में क्वेश्चन किया गया और ख़ासकर जो लोगों को न्यूज़ फीड की गई उसमें यह कहा गया कि शायद मार्शाला की कोई तैयारी की जा रही थी आप इस बारे में कोई वजहत कर दें देखिए जो आपने कहा कि लैंग्वेज उसके ऊपर मैं आपकी वसात से यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ तमाम आ, उन लोगों को जो इसके ज़िम्मेदार हैं कि आ, इस लैंग्वेज से इजनाब करना चाहिए ये किसी के फ़ायदे में नहीं किसी के फ़ायदे में नहीं इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट सच लैंग्वेज इज यूज एंड स्पेशली एक ऐसे इदारे के बारे में और उनकी लीडरशिप के बारे में जो कि हम वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए काम पे लगे हुए हैं हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस बहुत बड़े हैं आप सब पाकिस्तान के मालवकू से वाकिफ़ है और पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है उस तमाम चीज़ों से वाकिफ़ है सो हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस इतने ज़्यादा हैं कि हमारी मुसल्ह अफवाज को अगर सिर्फ उन सिक्योरिटी चैलेंज़स को ही टैकल कर लें तो यही हमारा हमारी कामयाबी है इसके अलावा हम किसी और चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो सकते और हमें किसी चीज़ का बगैर किसी वजह के मुरद इल्ज़ाम ठहराना हरगज़ हरगज़ जायज़ नहीं है और आ, इस 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 चीज़ से हमें बाज रहना चाहिए आ, दूसरा सवाल आपका क्या था एप्स बिल्कुल भी नहीं कोई ऐसी बात नहीं क्या आपके पास इसका कोई एविडेंस है अदालतें फौज के अंडर हैं आपके ख्याल में आप अलहमदिल्ला हमारी अदालतें आजाद हैं और अगर वहाँ पे कुछ हुआ है तो वो उनका अपना एक एक्शन था उनके अपने मुताबिक था देर वज नो ट ऑफ मार्शा पाकिस्तान की बका सिर्फ़ और सिर्फ जमूरीत में है और ये बात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ख़ुद कई मरतबा मुख्तलफ लोगों के साथ इंट्रैक्शन के दौरान कह चुके हैं और इस जमूरीत को मज़बूत करना सबका सबका फ़र्ज़ है इनफरादी भी और इज्तमी भी और इस जमूरीत के अंदर इसकी स्ट्रेंथ इदारे हैं चाहे वो पार्लियामेंट है चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है चाहे वह मुसल्फाज है वह इसकी स्ट्रेंग्थ है सो ये मिल के संपनता है लेकिन पाकिस्तान फ्यूचर जो आगे जाना है वो जमहूरियत ही है इनशा और पाकिस्तान में कभी माशाला नहीं आएगा मोहम्मद इमरान सर मोहम्मद इमरान दुनिया टी वी से सर मेरा क्वेश्चन ये है कि गुज्तः कई सालों में हमने ये देखा है कि पी डी एम के भी स्टेज से फौज को खसूसी तौर पर चीफ को और उस वक्त के कोर कमांडर को उस वक़्त के डी जी आई सी बाकायदा नाम लेकर मलाइन किया जाता रहा जो स्पीच बाहर से बैठ के की गई नाउ दे आर मतलब ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ़ द गवर्नमेंट और यही सूरत हाल अब एक जो है इसी तरह की सूरत हाल अब दूसरी तरफ से भी सामने आ रही है तो क्यों इस पूरे पीरियड के अंदर सर कोई ऐसे मेयर्स एडाप्ट नहीं किए गए कि इस किस्म की जो कंपेन्स इधारों के खिलाफ चलती हैं उनको रोका जा सकता तो आज भी वही सूरत हाल है जो पहले पी डी एम की जब आ, ए पी सी हुई थी उस वक्त जिस किस्म की तक्रीरें हुई थी और उसके बाद जो कोयटा में फिर उसके बाद लाहौर में जो स्पीच हुई थी वही सूरत हाल सर एक दफ़ा फिर है तो इस पर मुझे मुझे ये बताइए इसके ऊपर इकदाबात किसने लेने फौज ने लेने अगर फौज को इदारे को या इस तरह से कहा जा रहा है तो इसके लॉज हैं रूल्स हैं वो कौन उसका जिम्मेदार है हकूमत वक्त हुकूमत के अंदर ऐसे इदारे और सब कुछ मौजूद है जिन्होंने इस चीज़ का नोटिस लेना है और उसके ऊपर एक्शन लेना है सो so, उन्हें एक्शन में आना चाहिए जब फौज किसी को कुछ कहती है या पकड़ती है या बात करती है तो उसके ऊपर इल्ज़ाम आता है कि जी आप अपनी हदूद से बाहर निकल के आपने कुछ किया है